क्योंकि को डॉक्टर फेड वांडा स्कारलेट विच में फाइट कराया है, तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट भी कराया है फाइट में। डॉक्टर फेड जो डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है और एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और ये कमाल का सुपर हीरो है जिसे बहुत सी ऑडियंस पसंद करती है। वांडा जो है केओस मैजिक यूजर है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करती है और यही बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए इन दोनों की पावर्स के ऊपर बात करते हैं और पहले बात करते हैं डॉक्टर फेड की पावर्स की और जानते हैं डॉक्टर फेड के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ, डॉक्टर फेड एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज में रैंक करता है और ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर भी है। डॉक्टर फेड ने ब्लैक एडम जैसे पावरफुल कैरेक्टर को फाइट में स्टॉप कर दिया था और डॉक्टर फेड ने यही नहीं संभाग जैसे पावरफुल इविल विलन को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी फाइट में। और डॉक्टर फेड की स्ट्रेंथ जो है बहुत ही पावरफुल है। इनविजिबल, डॉक्टर फेड किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है और यही एबिलिटी डॉक्टर फेड के बहुत ही काम आती है बैटल में। डॉक्टर फेड में क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है और अपने क्लोनिंग पावर के थ्रू डॉक्टर फेड अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकता है। डॉक्टर फेड की स्पीड बहुत ही फास्ट है, डॉक्टर फेड बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है और बहुत ही हाई स्पीड से कहीं भी जाया आ सकता है। डॉक्टर फेड किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है और किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है और डॉक्टर फेड की जो स्पीड है बहुत ही तेज है। डॉक्टर फेड की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर डॉक्टर फेड ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया है फाइट में और डॉक्टर फेड की फाइटिंग स्किल्स जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं। डॉक्टर फेड का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है, डॉक्टर फेड नॉनस्टॉप फाइटिंग कर सकता है। डॉक्टर फेड का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। डॉक्टर फेड के पास एक कमाल का हीलिंग फैक्टर और इसकी हेल्प से डॉक्टर फेड ने बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। डॉक्टर फेड का जो हीलिंग फैक्टर है बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर फेड किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर फेड की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर फेड को छोटे छोटे अटैक से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है उसकी बॉडी को। डॉक्टर फेड की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर फेड किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर सकता है। डॉक्टर फेड का जो मैजिक है बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर फेड की अपनी रो पावर की हेल्प से बहुत ही हेवी से हेवी वेट को बहुत ही इजी लिफ्ट कर सकता है। डॉक्टर फेड की जो रो पावर है बहुत ही पावरफुल है। तो ये तो बात है डॉक्टर फेड की, तो आपको अंदाजा लग गया है कि डॉक्टर फेड कितना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का। तो अब बात कर लेते हैं वांडा की और जानते हैं वांडा के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वांडा ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को किल भी कराया है फाइट में और वांडा ने थेनोस को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था फाइट में। और जो वांडा की स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है। वांडा की स्पीड बहुत ही तेज़ है और वांडा बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है और जहाँ तक कि वांडा कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है और वांडा किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकती है। और वांडा की जो स्पीड है बहुत ही तेज़ है। वांडा किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती है और उसे अलग अलग टाइप की रियलिटीज़ भी दिखा सकती है। और वांडा की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही पावरफुल हैं। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर वांडा ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में और वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं। वांडा की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है और वांडा ने बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था और वांडा की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। वांडा का स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा है और वांडा बहुत ही लॉन्ग टाइम से फाइटिंग कर सकती है। और वांडा का जो स्टेमिना है बहुत ज़्यादा है और वांडा अपने स्टेमिना को बूस्ट भी कर सकती है। वांडा के पास एक कमाल का हीलिंग फैक्टर, अगर फाइट के बीच में वांडा की बॉडी डैमेज हो जाए तो वांडा अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। वांडा की रो पावर बहुत ही पावरफुल है और वांडा वर्सेस थेनोस जब फाइट हुई थी तो थेनोस ने वांडा पर बहुत ही पावरफुल अटैक करा था लेकिन वांडा ने उस अटैक को बहुत ही ईजिली अपनी रो पावर की हेल्प से रोक दिया था। तो वांडा की जो रो पावर है बहुत ही पावरफुल है। वांडा की मैजिक है बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग माना जाता है एमसीयू में क्योंकि वांडा ने थैनोस के टू साइड ब्लेड को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वांडा अपनी मैजिक से बहुत ही पावरफुल हो जाती है। वांडा अपनी डार्क मैजिक का भी यूज़ कर लेती है और ये मैजिक वांडा को बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग बना जाता है और इसकी हेल्प से वांडा ने ऑटो स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छी टक्कर देती है फाइट में। वांडा किसी की भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकती है और वांडा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये थी इन दोनों की कुछ बेसिक पावर्स एबिलिटीज़ और आप इन दोनों की पावर्स एबिलिटीज़ जान गए हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज़ में रैंक करते हैं और ये अपने अपने यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल मैजिशियन हैं। अगर वांडा की फाइट डॉक्टर फेड से तो इस फाइट का जो विनर होगा वह है वांडा। हाँ, डॉक्टर फेड बहुत ही अच्छा टक्कर दे सकता है वांडा को लेकिन वांडा अपनी फुल पावर्स पर आ जाए तो वो डॉक्टर फेड को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकती है फाइट में और इस फाइट का जो विनर है वह है वांडा। वैसे आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना और आपको इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो। Thanks for watching this video. See you in the next video.